इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी पहुंचे थे अमित शाह वाले मानहानि के मामले को लेकर बताएंगे आपको। फिर उन्होंने एक ऐसी तस्वीर जारी की है दोस्तों, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उल्टा ही दाव पड़ता दिखाई दे रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों इसके साथ में चुनावी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की जमकर किरकिरी हुई है दोस्तों। मंच से दे रहे थे भाषण लेकिन लोग हंस रहे थे। बताएंगे आपको किस तरीके से अधिकारी ने बुरी तरीके से बेवकूफ बना दिया है दोस्तों। इसी के साथ में शिवसेना चुनावी राज महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। एक और बड़े नेता बीजेपी छोड़कर शिवसेना यूबीटी ज्वाइन कर ली है। साथ साथ क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग? बताएंगे आपको संसद टीवी के टेलीविजन को लेकर उठ रहे कई सारे बड़े सवाल दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चुनावी राज हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लेकर चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते राहुल गांधी ने अचानक अपना काफिला रोका और एक मोची की दुकान पर आकर रुक गए दोस्तों। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी ने मोची राम चैत की दुकान पर पहुंचकर चप्पल की सिलवाई करवाई और इसके बाद उन्होंने पूछा है कि वो किस तरीके से काम करते हैं और जूते कैसे बनाते हैं। करीब 5 मिनट तक राम चैत से बात करने के बाद राहुल गांधी वहां से निकल गए। राम चैत ने राहुल गांधी से कहा कि मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल गांधी ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ किया गया खिलवाड़ है, इसे पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए और न्याय सुनिश्चित होनी चाहिए दोस्तों। वहीं पर मान के मामले को लेकर भी उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट राय देते हुए कहा कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया जा रहा है। बयान दर्ज होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होने वाली है। इस दौरान राहुल गांधी के पक्षों के वकील ने अपने अपने सबूत और गवाहों को पेश करते हुए राहुल गांधी को लेकर डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये केस किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके का केस किया गया है दोस्तों। मानहानि का मामला किया गया है दर्ज, जिस पर राहुल गांधी 2 बार पहले भी आ चुके हैं। हालांकि कि जब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं तब तब कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी की खबर आती है दोस्तों। तो क्या अब राहुल गांधी अब जो वापस से गए हैं कोर्ट, तो क्या उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का डंका बजने वाला है? जो भी जानकारी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा जो चुनावी राज्य है भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फतेहपुर के अंदर रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनवानी शुरू कर दी दोस्तों। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ एक तरीके से मोए मोए हो गया, यानी उनके साथ एक ऐसा धोखा हो गया दोस्तों। और अधिकारी ने इस तरीके से मजे ले लिए कि वहां पर मंच बैठे और मंच के नीचे जो लोग मुख्यमंत्री को सुन भी रहे थे वो भी जोर जोर से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दरअसल दोस्तों रैली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार का काम बताते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यों को गिनवा रहे थे, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक तंवर जो अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनके काम गिनवाते गिनवाते मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्य गिनवाने लगे दोस्तों। भाषण के बीच में टोकना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाषण खत्म किया, वे अपनी सीट पर बैठ गए तो नेताओं ने उनको सच्चाई बताई। उनको बताया कि ये जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है, जो अधिकारियों ने आपको लिख कर दिया था, ये सारे कांग्रेस पार्टी के शासन के कार्य आपने गिनवा दिए हैं। दरअसल दोस्तों अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के नए नए मुख्यमंत्री के साथ खेला कर दिया और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की तारीफ उन्हीं के मुंह से करवा दी है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के मुंह से ही करवा दी है दोस्तों। और यही डिसएडवांटेज होता है, यही गलती होती है जब किसी व्यक्ति को चुनाव से 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि विकास के कौन से कार्य उन्होंने कराए हैं और वो कांग्रेस पार्टी के कार्य गिनवाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे दोस्तों। अब तो हाथ से बात निकल गई है, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने जमकर मजे लिए और इसके बाद अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार चीफ सेक्रेटरी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी आत्माराम कसाना को सस्पेंड करके 48 घंटे में जवाब तलब किया है, यानी अब अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है दोस्तों। जबकि मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए था कि कौन से कार्य उनकी सरकार ने करवाए हैं। वैसे तो बीजेपी की सरकार ने 10 साल से हरियाणा में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी एक दो काम तो उनको याद होने चाहिए थे जो बीजेपी की सरकार ने गलती से कर दिया होगा, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कर दिया होगा दोस्तों। लेकिन नए नवेले मुख्यमंत्री बने नायब सैनी को क्या पता कि क्या हुआ राज्य के अंदर, इसीलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि विकास के कार्य किसने करवाए। और इसके बाद अधिकारी ने भी अपने तरीके से मजे ले लिए तो मुख्यमंत्री बुरी तरीके से भड़कते हुए अब अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के नासमझी के कारण हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि विकास के कौन से कार्य उनकी सरकार ने कराए, तो अधिकारी पर कार्रवाई क्यों की गई है, आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर से बचने का प्रयास कर रही है? और अब तो मामला एकदम उल्टा पड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि जनता के बीच में स्पेशल स्पष्ट मैसेज चला गया है कि उनको समझदारी बिल्कुल नहीं है। साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गोंदिया के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता रमेश कुथे उद्धव ठाकरे के गुट शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ये नेता शिवसेना यूबीटी में शामिल हो गए। 2018 में रमेश कुथे ने शिवसेना छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। महाराष्ट्र में बीजेपी को यह तगड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव से पहले रमेश कुथे 2 बार 1995 1999 में शिवसेना के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चक्कर उन्होंने लगाया। लेकिन उनको पता चल गया कि
भारतीय जनता पार्टी तो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के समर्थन में खड़ी नहीं होती है तो फिर बाहर से आने वाले लोगों को क्या ही सपोर्ट किया जाएगा। यही बड़ा कारण दोस्तों कि अब उनको वापस से अपनी पुरानी पार्टी की याद आ रही है और उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शिवसेना यूबीटी ज्वाइन भी कर लिया। साथ साथ दोस्तों कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को एडवाइस किया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाइए। संसद टीवी के अंदर जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलती है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है लोगों का। संसद टीवी के लोग अगर ओपोजिशन के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं जब वो बयान दे रहे हैं और माइक को ऑफ कर दिया जा रहा है तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। द वायर पर आए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल आपस में बात कर रहे थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इस दौरान कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने एक बड़ी एडवाइस दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर निष्पक्षता के साथ सारे नेताओं को दिखाया जाना चाहिए, उनके भाषण को बिना कट के एक एक पार्ट जनता को दिखाना चाहिए, जनता को निर्णय लेना देना चाहिए कि भाषण अच्छा था या नहीं अच्छा था, क्या लोगों के मुद्दे उठाए गए या नहीं उठाए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो दोस्तों कि कैमरामैन ऐसा बिठाया गया है जो भाजपा की मानसिकता वाला है और इंडिया गठबंधन के नेताओं के भाषण को पूरी तरीके से कमजोर दिखाने के प्रयास किया। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में शुक्रवार को संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी ने राजस्थान से लेकर बिहार तक फेरबदल किए हैं। संगठन के अंदर प्रभारी राज्य इकाई के अध्यक्षों को बदला गया है। दोस्तों बीजेपी ने 5 राज्यों में अहम बदलाव किए हैं। जिन लोगों को बदले गए हैं उसमें पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान में बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम की जिम्मेदारी पूर्व लोकसभा के सदस्य हरीश द्विवेदी को सौंप दी है जिनको प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन से जुड़े कई और बड़े बदलाव किए। दोस्तों बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और पार्टी के सांसद राजदीप राय को तमिलनाडु और त्रिपुरा के अंदर प्रभारी नियुक्त किया है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष विजय राहटकर को राजस्थान और सुधाकर रेड्डी को तमिलनाडु में संगठनात्मक मामलों का सह प्रभारी बनाया गया है। 2 राज्यों में नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बिहार में दिलीप कुमार जायसवाल सम्राट चौधरी की जगह लेंगे और राज्यसभा के सांसद मदन राठौर सीपी जोशी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये कुछ बड़े बदलाव है, आपका क्या मानना है लिखकर जो बताकर। साथ साथ राज्यसभा में कृषि मंत्री से सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा गया कि क्या भारत सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप MSP की कानूनी गारंटी देगी। लगभग 30 मिनट तक यह सवाल का जवाब देने से बचने के लिए इधर उधर की बातें की गई। मुद्दा चावल गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों के लिए MSP की कानूनी गारंटी का था, लेकिन मंत्री जी सिर्फ जलेबी वाला भाषण देते रहे। जयराम रमेश ने राज्यसभा के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 48 को लेकर डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों जो प्रिंट है उसके सामने लिखा हुआ है कि श्री रामजी लाल सुमन कृषि मंत्री से स्पष्ट शब्दों में पूछते हैं कि क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति की 12 जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक की अवधि के दौरान कितनी बैठकें आए दिन की गई तथा बैठकों की तिथियों और कार्यसूची का बैठक वार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार किसानों के MSP की कानूनी गारंटी प्रदान करने के कानून लाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो 2021 में किसान संगठनों से किए गए वादे से पीछे हटने का क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने सही जवाब सीधा नहीं दिया। दोस्तों मामले पर घुमा कर लिखा गया कि सरकार प्रतिबद्ध है MSP का लाभ पूरे देश के किसानों को पहुंचाने के लिए, इसलिए सरकार द्वारा देश में किसानों के लिए MSP की व्यवस्था की गई और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया और तमाम तरीके की बातें की गई, लेकिन मेन सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि क्या MSP को लीगल गारंटी देने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है। साथ साथ दोस्तों मुंबई के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि इस बार उनकी पार्टी संयुक्त मोर्चा से अलग यानी महायुति से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।